राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सत्तारूढ़ सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दावा करे, मगर यूपी के बुलंदशहर में तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम ने चकबंदी रिपोर्ट बनाने के नाम पर एक किसान से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एक कानूनगो व एक लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम ने दोनों रिश्वतखोर आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। बुलंदशहर कोतवाली नगर में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की गिरफ्त में खड़े हैं ये बुलंदशहर चकबंदी विभाग में तैनात कानूनगो और लेखपाल, जिन पर सलेमपुर थाना क्षेत्र के गाँव याकूबपुर में रहने वाले किसान दिगंबर से चकबंदी संदर्भ बनाने के नाम पर 20,000 रुपये का रिश्वत वसूलने का आरोप है। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है जी कि चकबंदी गांव में चल रही है, लेखपाल मनोज कुमार, कानून गो अनिल कुमार, इनके द्वारा संदर्भ ठीक करने के मुझ पे थे 1,00,000 रुपया मांगे, जो कि पहले भी दे चुका, 20,000 मैंने हाथ दिए। अच्छा, रंगे हाथों पकड़ी गई टीम द्वारा। किसने पकड़ा रंगे हाथों? रंगे हाथन ये टीम है, मेरठ से आई है एंटी कंडीशन टीम। आपने क्या शिकायत करी थी? मैंने शिकायत ये करी जी मेरा संदर्भ सुधारने के लिए 1,00,000 रुपया मांगा जा रहा और अब कितने पैसे लेते रंगे हाथों पकड़े गए? हाँ जी, रंगे हाथों कितने पैसे लेते पकड़े गए? 20,000 रुपये लेते हुए। सर, एंटी करप्शन टीम ने आज एक लेखपाल और कानूनगो को पकड़ा है, सर क्या पूरा मामला है? सर ये श्री दिगम्बर सिंह है, याकूबपुर गांव के, थाना सलेमपुर के। उन्होंने हमारे मेरठ इकाई कार्यालय को ये सूचना दी कि मेरे चकबंदी में थे, उनको जो है सही करने के संबंध में उप चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश भी कर दिया गया था, किंतु उसके बावजूद मेरे जो है चक सही नहीं हो रहे थे और उसमें अंतिम संदर्भ बनना था जिसको लेखपाल कानून वो लेखपाल मनोज कुमार और चकबंदी करता कानून वो अनिल कुमार द्वारा तैयार किया जाना था, जिसके लिए वो अनेक बार इनसे मिला, किंतु उन्होंने जो है इसके बदले 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की। कौन थे दोनों? ये मनोज कुमार लेखपाल और चकबंदी करता जिसे कानून वो कहते हैं, चकबंदी कानून वो अनिल कुमार। सर कितनी धनराशि इनसे? 20,000 रुपये। तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया? सर रंगे हाथों पकड़ा गया, मेरठ टीम की इकाई द्वारा रंगे हाथों इनको जो गिरफ्तार किया गया और 20,000 रुपये बरामद की गई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।